यमुनानगर में आज अयान ट्रेडर्स के नाम से खुले ई रिक्शा शोरूम का शुभारंभ हुआ। शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने ई रिक्शा शोरूम का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भी ई रिक्शा जैसी तकनीक को बढ़ावा दे रही है। ये पॉल्यूशन रहित है और पेट्रोल डीजल के बिना बैटरी से ही चलती है। उन्होंने कहा कि आज भारत में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। ई वाहन चलने से जहां प्रदूषण में कमी आएगी तो वहीं लोग कम बीमार होंगे। उन्होंने कहा कि शोरूम खुलने से यमुनानगर के लोगों को भी काफ़ी लाभ होगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने शोरूम संचालक को बधाई दी तो वहीं उद्घाटन के इस मौके पर शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया गया। सर, आज यहां पहुंचे हैं करने के लिए, क्या करेंगे? देखिए, इन्होंने जो ई रिक्शा है उसका एक शोरूम यहाँ खोला है और मैं समझता हूँ कि ई रिक्शा के आज के टाइम में सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम सब भी शहरवासी भी ये महसूस करते हैं कि भाई पॉल्यूशन जो है वो कम होना चाहिए। ये बात भी सही है कि बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार जो है थ्री व्हीलर के कारण मिल रहा, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना और सारा का सारा ई रिक्शा में लेके आना। अभी कुछ संस्था है, जैसे चौपाल है, उसने पिछली बार मेरे ख्याल के 30 या 40 लोगों को ई रिक्शा दी थी और वो छोटी छोटी किस्तें करके उन्होंने सारा पैसा वापस कर दिया। आगे भी वो इस प्रकार का प्रयास करें। कुछ एनजीओ हैं जो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, जो इस काम को करने वाले हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, तो उसी प्रकार की एक एजेंसी यहीं पे खुल गई। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ जो है यहाँ लोगों को मिलेगा और जो एक बहुत बड़ी पॉल्यूशन की समस्या है वो धीरे 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 समाप्त होगी, ताकि लोग उस साइड की भी जाए ना। अब आने वाले टाइम में जो भी थ्री व्हीलर ले तो वो ई रिक्शा को ले, ना कि डीजल का व्हीकल ले या जिस प्रकार का जुगाड़ ले लिया वो भी न ले, तो इसको ले। तो मैं समझता हूँ सस्ता भी पड़ेगा और पॉल्यूशन फ्री भी होगा। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।